आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंट्रोवर्शियल टॉपिक है दोस्तों, लेकिन आपको पता ही है कि मैं सारे पॉलिटिशियंस की बायोग्राफी रिव्यू करता हूं। मेरा काम है आपके सामने फैक्ट्स लाना। कुछ लोगों ने बोला कि सर प्रज्ञा ठाकुर की बायोग्राफी रिव्यू करिए, तो मैं उनकी बायोग्राफी लेके आया हूँ। हाँ, मुझे पता है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है ये, बहुत ज़्यादा विवादों में रहती है अपने बयानों के बयानों को लेकर। और आपको पता ही है कि अभी ये बीजेपी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और भोपाल से जीती है ये, ठीक है, दिग्विजय सिंह के खिलाफ। तो प्रज्ञा ठाकुर की बायोग्राफी देखेंगे। अच्छा, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आप परेशान मत होइए, मैंने सबकी बायोग्राफी रिव्यू की है, चाहे वो बीजेपी के लीडर्स हो, चाहे कांग्रेस के लीडर्स हो, जो भी सुर्खियों में रहता है, मैं उनकी बायोग्राफी लेके आता हूँ, ठीक है। तो शांति से सुनिएगा, हमारा पर्पस यही है कि आपको फैक्ट्स पता चले, कहानी पता चले और पॉलिटिक्स पता चले, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चक्री पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आता है, अपने नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो दोस्तों, अगर प्रज्ञा ठाकुर की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 2 फरवरी 1970, एमपी के भिंड जिले से हैं, चंबल में आता है भिंड। अब चंबल वैसे ही बागियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इनके पिताजी जो थे वो डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे, लेकिन आरएसएस से जुड़े हुए थे, राष्ट्रवादी थे। तो वैसे ही प्रज्ञा ठाकुर हुई, ठीक है। बहुत कम उम्र से ही प्रज्ञा ठाकुर जो है वो पॉलिटिक्स में चली गई। प्रज्ञा ठाकुर की आवाज़ बहुत ज़बरदस्त थी, ये बोलती बहुत अच्छा थी, कहानी बहुत अच्छी सुनाती थी, समझ रहे हैं। और 2002 के बाद हम देखते हैं ये सन्यासी हो गई, और शुरू से ही बड़ी तेज तर्रार थी, ठीक है। लड़का अगर कोई भी छेड़ा तो उसको पीट देना और एकदम एक पूरा मुहिम छेड़ देना उस तरीके का। आपने देखा होगा जो इनका पूरा लुक है वो एकदम टॉम बॉय जैसा है, है लड़की मतलब औरत लेकिन दिखते वो लड़के जैसी है, शुरू से ही इनका रहा है, बड़ी तेज तर्रार रही है शुरू से ही, ठीक है। और बाइक चलाने का बहुत ज्यादा शौक है, ठीक है, बाइक भीड़ में अक्सर ये बाइक चलाती हुई दिख जाती थी, समझ रहे हैं। 1993 में इन्होंने एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया। वैसे इन्होंने जो अपनी पूरी पढ़ाई है वो लाहौर कॉलेज से ही की है, वहां से ये बीएड भी हैं, ठीक है, और इन्होंने कुछ टीचिंग कोर्स भी किए हैं, ठीक है। तो 1993 में इन्होंने एबीवीपी ज्वाइन किया, उसके बाद ये बहुत सारे संगठनों से जुड़ी रही। एक एनजीओ भी इन्होंने शुरू किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो चला नहीं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि पहले एबीवीपी और उसके बाद आरएसएस, संघ से भी जुड़ी नहीं, और उसके बाद इन्होंने राष्ट्रवादी सेना और हिंदू जागरण मंच, ये भी इनके साथ भी इन्होंने काम किया। दुर्गा वाहिनी की भी ये मेंबर रही थी, जैसे बजरंग दल है ना वैसे ही दुर्गा वाहिनी है। तो दुर्गा वाहिनी जो है इसमें लड़कियों को तलवारबाजी सिखाई जाती है, लड़ना सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की वुमेन विंग है, ठीक है, जैसे बजरंग दल है वैसे ही दुर्गा वाहिनी है, तो वहां की भी मेंबर रही। वंदे मातरम जन कल्याण समिति की भी ये फाउंडिंग मेंबर थी, समझ रहे हैं, और ये आरएसएस से कनेक्टेड है और संघ परिवार से ये जुड़ी हुई हैं। तो ये इनका शॉर्ट करियर था। अब शुरू में तो क्योंकि ओरेटर बहुत ही जबरदस्त थी तो संघ के लीडर्स के ये आंखों में आ गई, ठीक है। इसमें आरएसएस के बहुत बड़े लीडर सुनील जोशी थे, ठीक है, तो सुनील जोशी बहुत मतलब इनको एडमायर करते थे, ठीक है। अब 2006 में सुनील जोशी का भी देहांत हुआ। अब जब सुनील जोशी का 2007 में हुआ, सुनील जोशी का जब मर्डर हुआ तो उस मर्डर केस में प्रज्ञा ठाकुर को भी आरोपी बनाया गया। तो प्रज्ञा ठाकुर अपने डिफेंस में बोलती है कि हम लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए साथ में काम करते थे, तो हम एक मतलब मैं कैसे मर्डर कर सकती हूँ या किसी की साजिश में कैसे शामिल हो सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज थी। कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। स्वामी अवधेशानंद 2002 के बाद स्वामी अवधेशानंद के जब ये संपर्क में आए तब ये साध्वी हो गए, इन्होंने संन्यास धारण कर लिया, ठीक है। लेकिन असली में जो इनका नाम आया है वो एक बॉम्ब ब्लास्ट से ये एसोसिएटेड थी, वहां से इनका नाम आया है। कहानी क्या है दोस्तों, ठीक है, पहले आप देख लीजिए 2019 में ये बीजेपी से इलेक्शन लड़ी इन्होंने, ठीक है, आपको पता ही है लोकसभा इलेक्शन हुए और उसके बाद भोपाल से ये जीती और सामने दिग्विजय सिंह खड़े थे। दिग्विजय सिंह भोपाल वैसे बीजेपी की बहुत ही पक्की सीट है, ठीक है, 1980 से यहाँ पे कोई हारा नहीं है, तो भोपाल काफी सेफ सीट है। और 2019 में प्रज्ञा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह को हराया और उसके बाद अभी हम देखते हैं कि वो सांसद हैं, समझ गए, बहुत ही बढ़िया। अब काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में रहती है ये। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई अभी मैं इस पर आऊंगा। कॉन्ट्रोवर्सी हुई मालेगांव बॉम्बिंग से। देखिए 2008 में मालेगांव में बॉम्ब फटे। ये मालेगांव कहां है, नासिक के पास एक छोटा सा कस्बा है मालेगांव, समझ गए, मुस्लिम यहां पे रहते हैं।
तो आबादी जो है वो ज्यादा मुस्लिमों की है, संवेदनशील एरिया है, 2006 में भी यहां पे ब्लास्ट हुए थे। ठीक है, मालेगांव में फटता है बॉम्ब, ठीक है, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं जिसमें 6 लोगों की जान गई और 101 लोग घायल हुए, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, और ये 29 सितंबर को हुआ था, 29 सितंबर 2008। और यहां पे होना था दोस्तों, ये बड़ा ही संवेदनशील एरिया है, ठीक है, तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से यहां पे कुछ ना कुछ बड़ा होने ही वाला था। ठीक है, तो यहां पे ब्लास्ट हुआ, एक के बाद एक 4 ब्लास्ट हुए। अब एक जो मोटरसाइकिल में बॉम्ब रखा था, ठीक है, वो जो मोटरसाइकिल थी एलएमएल फ्रीडम, वो रजिस्टर्ड थी साध्वी प्रज्ञा के नाम से, साध्वी प्रज्ञा की वो बाइक थी, लेकिन साध्वी प्रज्ञा अपने डिफेंस में ये बोलती है कि वो बाइक को मैंने 4 साल पहले बेच दिया था, 2004 में उस बाइक को बेच दिया था, उसके बाद वो किसके पास गई पता नहीं। बॉम्ब फटा, 11 लोगों को आरोपी बनाया गया, समझ रहे हैं, जिसमें साध्वी प्रज्ञा और कॉलोनल पुरोहित, इसमें एक मिलिट्री का भी था और वो कर्नल था जिनका नाम था कॉलोनल पुरोहित, जो कि अभिनव भारत से जुड़े हुए थे। पहले क्या था, पहले जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ मुस्लिम चरमपंथियों की तरफ सुई गई कि डेफिनेटली ये इन्होंने किया होगा, लेकिन बाद में जब बाइक की जांच की तो बाइक रजिस्टर्ड थी साध्वी प्रज्ञा के नाम से। अब जब साध्वी प्रज्ञा के नाम से बाइक रजिस्टर्ड थी, तब यहां पे पहली बार भगवा आतंकवाद का नाम आया। जी हां, सैफ्रॉन टेररिज्म, ठीक है, तो पहली बार भगवा आतंकवाद का नाम आया यहां पे, और उसके बाद फिर जांच शुरू हुई। 11 लोग आरोपी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कॉलोनल पुरोहित को, इसमें बहुत सारे, ऐसा बोला गया कि बहुत सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, लेकिन सबसे बड़ा हाथ इसमें अभिनव भारत का रहा है। तो अभिनव भारत से कॉलोनल पुरोहित, जो अगर कॉलोनल पुरोहित की बात करें, बहुत बड़े लीडर थे ये, मिलिट्री में काफी बड़ी पोस्ट पे थे, भैया कर्नल थे ना, साथ ही साथ मिलिट्री की इंटेलिजेंस यूनिट में ये काम कर चुके थे, और दोनों को गिरफ्तार किया गया। अब हम देखते हैं कि ये मामला आया एंटी टेररिज्म स्क्वाड के पास, एटीएस के पास ये मामला गया, और उस समय एटीएस के जो प्रमुख थे कौन थे, वीर हेमंत करकरे, बहादुर हेमंत करकरे, वही हेमंत करकरे 26/11 का जो ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से उनकी जान चली गई थी दोस्तों, और ये बहुत ही दुखद हुआ था क्योंकि वाकई बहुत ज्यादा बहादुर थे। तो जो 2008 का, मतलब 29 सितंबर 2008 को ये ब्लास्ट होता है मालेगांव में, और ठीक 2 महीने बाद 26 नवंबर को मुंबई पे अटैक हो गए, आतंकियों ने अटैक कर दिया, लश्कर ए तैयबा की कसाब आए थे ना, वो भी 6 लोग, उस पर भी मेरा पूरा का पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप जरूर देखिएगा। तो यहां पे शुरू के 3 घंटे में ही, 26/11 का जो अटैक हुआ, शुरू के 3 घंटे में ही हेमंत करकरे जो है वो शहीद हो गए। तो एटीएस के चीफ थे उस समय हेमंत करकरे, जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था सितंबर 2008 में, और 2 महीने बाद क्या हुआ, हेमंत करकरे शहीद हो गए 26/11 के अटैक में। यह समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब एटीएस ने छानबीन शुरू की और मुकदमा चला, समझ रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा क्या कहती है, साध्वी प्रज्ञा ये बोलती है कि मेरे खिलाफ पूरी साजिश रची गई, ठीक है, मुझे अरेस्ट किया गया और मुझे भयंकर टॉर्चर किया गया, 1 महीने तक मुझे बहुत ज्यादा मारा पीटा गया, ठीक है। अभी अगर आप साध्वी प्रज्ञा को देखेंगे तो वो चल नहीं पाती हैं, ठीक है, वो व्हील चेयर पर चलती हैं, ठीक है, उनको ब्रेस्ट कैंसर भी था, उनको और भी बीमारियां लगी, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया और इतना मारा जाता था, हर कोई घेर के मारता था, एक जगह चोट लग रही है तो वहां पे बार बार मारा जाता था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो ये पूरी कांग्रेस की साजिश है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब एटीएस ने जांच शुरू की तब ये पाया कि जो मीटिंग्स हुई, अभी मैं आपको बताता हूं एटीएस और एनआईए की जो रिपोर्ट आई वो डिफरेंट, तो जो मीटिंग्स हुई उसमें यह पाया गया कि जो नागपुर में मीटिंग हुई, नासिक में मीटिंग हुई, ठीक है, जिसमें कॉलोनल पुरोहित भी शामिल थे और काफी लोगों ने मीटिंग की, एक्सप्लोसिव जो लाया गया और जो बाइक में रखा गया वो सब प्रज्ञा ठाकुर की निगरानी में हुआ। तो सारी मीटिंग्स में प्रज्ञा ठाकुर आई, प्रज्ञा ठाकुर अभी तक इस बात को नकारती हैं, ठीक है, ये हालांकि जांच का विषय है लेकिन मैं दोनों पक्ष आपको समझा दे रहा हूं। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बोलती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, मुझे बस उठाया और जेल में डाल दिया गया, ठीक है। एटीएस कहती है कि इनको सब कुछ मालूम था, बाइक किसके पास है, ठीक है, कैसे ये सब होना है, पूरी प्लान की जानकारी इनको थी, ठीक है। तो अब चार्जशीट जो है वो दाखिल हुई और इनके ऊपर लगाया गया मकोका। मकोका क्या है, महाराष्ट्र कंट्रोल एक्ट है, ये क्राइम्स को रोकने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है, टेररिज्म अंडरवर्ल्ड को रोकने के लिए मकोका बनाया गया 1998 में। इसमें जमानत नहीं मिलती है दोस्तों, एक बार किसी के ऊपर मकोका लग गया वो गया काम से, उसको जमानत मिलेगी ही नहीं जब तक मकोका हटाया नहीं जाता है। तो साध्वी प्रज्ञा के ऊपर लग गया मकोका, अब क्या करें, प्रॉब्लम,
इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब सुनील जोशी का मर्डर केस हुआ था उसमें भी साध्वी प्रज्ञा का नाम आया था 2007 में, जब सुनील जोशी को मारा गया था, ठीक है। तो अब यहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, एटीएस ने पूरे इल्जाम लगाए, अपनी चार्जशीट दाखिल की, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहां पे जो साध्वी प्रज्ञा कहती कि मुझे भयंकर तरीके से टॉर्चर किया गया, बहुत मारा पीटा गया, और ये कांग्रेस के कहने पे हुआ, ठीक है। और इस समय पहली बार भगवा टेररिज्म, सैफ्रॉन टेररिज्म, कि जो आतंकवाद है उसका कोई कलर नहीं होता है, वो कोई समुदाय से नहीं होता है, आतंकी है तो आतंकी है, ठीक है। ये आया पहली बार, ये कंसेप्ट आया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। अब दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है, कहानी आगे बढ़ी दोस्तों, साध्वी प्रज्ञा को कोई बेल नहीं, उनके नार्को टेस्ट हुए, वो सारी क्लिप्स अवेलेबल है, आप देखिएगा यूट्यूब पे, उनके नार्को टेस्ट हुए। अब सरकार बदली, ठीक है, सरकार बदली 2014 में, ठीक है, 2014 तक कांग्रेस की सरकार, अब 2014 के पास बाद आ गई बीजेपी की सरकार। ये केस जो है वो एनआईए को सौंप दिया गया। तो पहले एटीएस ने जांच की, एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे, हेमंत करकरे के हो गए शहीद 26/11 में। तो अब ये पूरा का पूरा केस सौंप दिया गया नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिसको 2009 के बाद ही बनाया गया था, 26/11 अटैक्स के बाद एनआईए को बनाया गया। 2011 में ये केस जो है वो एनआईए को सौंपा गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब एनआईए ने जांच शुरू की, 2014 में सरकार बदली, अब देखिए इसका पॉलिटिकल एंगल, हालांकि हम ज्यादा पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, वरना बहुत ज्यादा छोड़ते हैं फिलहाल उसे, पॉलिटिक्स हम डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन जब एनआईए ने इस पे जांच की, तब यह पता चला कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बाइक भले ही उनके नाम पर रजिस्टर्ड थी लेकिन हमको कोई भी सबूत नहीं मिला, ये एनआईए ने पाया। अब 2015 में मकोका सुप्रीम कोर्ट ने हटा लिया, समझ रहे हैं। 2016 में एनआईए ने चार्जशीट फिर से दाखिल की। अब एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की तो इसमें साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट मिल गई कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले तो हम उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। अब एटीएस की रिपोर्ट, एटीएस में क्या कह रही थी, एटीएस ये कह रही थी कि यहां पे हम देख रहे हैं कि सारी मीटिंग्स में साध्वी प्रज्ञा शामिल थी और जो ये ब्लास्ट हुआ इसमें साध्वी प्रज्ञा का हाथ था। लेकिन एनआईए क्या कह रही है, हमको कुछ अता पता नहीं। साथ ही साथ जो गवाह थे वो एक के बाद एक मुकरते गए, गवाह जो थे वो भी मुकरते गए। पहले गवाहों ने क्या क्या बोला कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का हाथ था, लेकिन बाद में वो एक एक करके पलटते गए, ठीक है। तो ये भी बड़ी दिक्कत। तो फाइनली कोर्ट ने मकोका हटाया और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट मिली। अब एक बार मकोका हटा तो उसके बाद आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कई बार बेल के लिए देखते हैं अप्लाई किया, लेकिन बार बार जब भी बॉम्बे हाईकोर्ट के पास बेल की एप्लीकेशन आती वो मना कर देती। लेकिन मकोका हटने के बाद उनको आसानी से बेल मिल गई। दोस्तों इनकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी जेल में रहते रहते, जैसा कि मैंने बताया। अब आप इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है, आप देखिएगा इनका आपकी अदालत पे एक इंटरव्यू है, ठीक है, वो आप देखिएगा। तो अब जब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इनको फिर इनकी तबीयत भी खराब हो गई, इनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो हेल्थ रीजंस इन्होंने दिखाया और बोले कि हमको बेल दो, लेकिन नहीं मिली। अल्टीमेटली मकोका जब इनके ऊपर हटाया गया और इनको क्लीन चिट मिली, तब इनको बॉम्बे हाईकोर्ट से फिर बेल मिली और 2017 में ये बाहर आई और फिर 2019 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। अब सुनिए क्या हुआ। 2018 में एनआईए कोर्ट ने, एनआईए ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसको रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल आपने सही सुना, एनआईए ने जो बोला कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का कोई यहां पे हमको सबूत नहीं मिले। साथ ही साथ कुछ ही वक्त, जैसे ही 2017 में हम देखते हैं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बेल मिली अप्रैल 2017 में, ठीक कुछ ही वक्त बाद अगस्त 2017 में, मतलब कुछ ही महीने बाद, ठीक है, कॉलोनल पुरोहित को भी बेल मिल गई। लेकिन 2018 में जब मामला कोर्ट में पहुंचा, एनआईए कोर्ट ने बोला सब बकवास है, ठीक है, ये जो भी एनआईए ने रिपोर्ट बनाई है हम इसको नहीं मानते, फिर से जांच बैठाओ। तो अभी मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, केस अभी तक चल रहा है मालेगांव केस का। और अभी अब देखिए कब तक चलता है ये, कब सजा का ऐलान होता है, कितने लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं, वो तो खैर जांच का विषय है। तो अभी भी साध्वी प्रज्ञा फ्री नहीं हुई है, ठीक है, भले ही ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई हैं, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ये फ्री नहीं है। कॉलोनल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर दोनों पे ही मुकदमा अभी तक चल रहा है, क्योंकि 2018 में एनआईए कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया एनआईए की रिपोर्ट को। तो यहां पर तीन एंगल सामने आए, एक एटीएस की रिपोर्ट, दूसरी एनआईए की रिपोर्ट और तीसरा एनआईए कोर्ट, ये चीज आप समझ गए। तो ये अभी तक की कहानी थी। अब दोस्तों कंट्रोवर्सी पे आते हैं। आपको पता ही है कि साध्वी प्रज्ञा कई बार ऐसे बयान देती हैं, बहुत मुश्किल में घिर जाती हैं, गोडसे को वो देशभक्त बता देती हैं। अब दोस्तों एक तो बात आप
एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। गांधी जी भारत का प्रतीक है, हमको गांधी जी की राह पे चलना है, ये हर किसी को मालूम है। गांधी जी को खुद श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, पुण्यतिथि ना उनकी 30 जनवरी को। तो गांधी जी दोस्तों, गांधी भारत का प्रतीक है, हमको गांधी की राह पे चलना है, किसी भी कीमत पे नाथूराम गोडसे को आप सपोर्ट नहीं कर सकते। वैसे आपको बता दूं, महात्मा गांधी को मारने की 6 बार कोशिशें की गई थी और 6 के 6 बार, छठी बार हालांकि नाथूराम गोडसे ने जब मारा था वो कामयाब हुए, लेकिन इसके 5 बार बिल्कुल नाकामयाब। एक बार आपको बताता हूं कि जब मिल स्ट्राइक थी अहमदाबाद, तो वहां पर जो मिल का ओनर था उन्होंने बोला था कि गांधी जी अगर मुझे अकेले मिल जाए तो मैं खत्म कर दूंगा उसको। तो गांधी जी, तो आपको पता ही है, गांधी जी बड़े सबसे बहुत ही शांत से बात करते थे, उनके जो लहजे में बहुत ही शांति रहती थी। और सबसे बड़ी बात थी गांधी जी की कि वो जो उनसे नफरत करते थे उनके पास चले जाते थे और बोलते थे, बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं आपके सामने आ गया हूं, बैठिए मेरे साथ बात करिए। और कुछ देर बाद होता यह था कि गांधी जी उस इंसान को बदल देते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे बदले, जवाहरलाल नेहरू कैसे बदले, ये बड़े बड़े जो लॉयर्स थे ना, जेबी कृपलानी हो गए, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स, ये सब बड़े एलीट फैमिली से आते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जब लंदन से पढ़ के आए थे, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, तो वो भी बड़ा एकदम सूट बूट में रहते थे, लेकिन जब वो महात्मा गांधी से मिले, चेंज कर दिया गांधी जी ने। गांधी जी ने पूरी कांग्रेस को बदल दिया, सारे लीडर्स को बदल दिया, ये लोगों को पता नहीं रहता। तो गांधी जी गए उस मिल के ओनर के पास, सुबह थी, सुबह सुबह गए और वही एकदम धोती पहन के, आपको पता ही है कि उनका वो खादी पहनते थे और शरीर पे तो वैसे भी उनके कपड़ा नहीं रहता था, बहुत ही कम कपड़ा, ठीक है, लाठी लेके गए, चश्मा पहन के, नंगे पैर, सामने खड़ा हूं मार दो, हिम्मत नहीं हुई इसकी गोली उठाने, बंदूक उठाने की, ठीक है ना, ऐसे थे गांधी जी, समझ रहे हैं। तो गांधी जी के रास्ते पे ही हमको चलना पड़ेगा, हिंसा के रास्ते पे जो गया वो खत्म, समझ लीजिए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन कहते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो भी गांधी का सहारा लेते हैं, समझ रहे हैं, वो भी गांधी को ही, क्योंकि गांधी के बिना आप इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। तो गांधी जी को हर कोई सामने लेके आता है। अभी मोदी जी ने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी और नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताती हैं साध्वी प्रज्ञा, जिसकी कड़ी निंदा की। कड़ी निंदा कौन करता है? राजनाथ सिंह, बिल्कुल। तो कड़ी निंदा, राजनाथ सिंह की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, तो कड़ी निंदा की गई, इसको कड़े शब्दों में निंदा की गई, नाथूराम गोडसे को जब देशभक्त बताया। साध्वी प्रज्ञा कई बार ये बोल चुकी है कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हेमंत करकरे को उन्होंने कहा था कि हेमंत करकरे को उनका श्राप लगा है इसलिए उनकी मृत्यु हुई। तो नाथूराम गोडसे को यहां पे देशभक्त जब बताया, तो उस समय हम देखते हैं कि ये जो 21 मेंबर पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी बनाई थी डिफेंस पे, ठीक है, 2019 में, उसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है वो मेंबर थी, और जैसे ही ये बयान दिया इस कमेटी से उनको हटा लिया गया। और उस समय मोदी जी ने भी बोला था, मैं कभी भी साध्वी प्रज्ञा सिंह को माफ नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन अब उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, खाली उनको कमिटी से ही हटाया गया, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद कई बार इस तरीके के बयान जो है वो देती रही है, ठीक है ना। और उसके बाद जो कांग्रेस और जितनी भी अपोजिंग पार्टीज है उन्होंने भर भर के घेरा है बीजेपी को, ठीक है, हालांकि बीजेपी ने इस बयान से किनारा कर लिया था, राजनाथ सिंह ने भी कड़ी शब्दों में निंदा की थी कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये जो बोल रही है हम, ये इनका पर्सनल हो सकता है, लेकिन ये हम गांधी जी को ही मानते हैं और उन्हीं के ही हमको दिखाए रास्ते पे चलना है। तो गांधी जी के बिना ना देश चल नहीं पाएगा, ना ही पॉलिटिक्स चल पाएगी, ठीक है ना, कोई कितना भी कुछ कह ले, हिंसा से हिंसा फैलेगी दोस्तों। अभी मैंने देखा कि एक, अभी ये कल की ही बात है, ठीक है, कि एक जो लड़का है छोटा सा 17 साल का, ठीक है, आप उस लड़के की आप फेसबुक प्रोफाइल, नाम नहीं लूंगा, उस फेसबुक प्रोफाइल को देखिएगा, कैसे कैसे वो अपने पोस्ट डालता है कि बंदूक लेके जा रहा है, हम तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, महाराणा प्रताप के बारे में इनको पता भी नहीं होगा। अगर आप इतिहास पूछेंगे, महाराणा प्रताप की बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देखिएगा, अगर इतिहास पूछेंगे तो शायद महाराणा प्रताप के बारे में जानते भी नहीं होंगे, ब्रेन वॉश्ड, और आसानी से बंदूक लहराता हुआ सबके ऊपर तान रहा, उसने गोली चला दी, 17 साल का लड़का, बताइए उसकी पढ़ने की उम्र, उसके करियर बनाने की उम्र, उसके दिमाग में जहर भर दिया गया और वो गोली चला रहा है। अब बताइए ये कितनी गलत है, आप समझ सकते हैं ना कहां जा रहा है देश। तो ये सोचना पड़ेगा, गांधी जी के रास्ते पे चलना है। अब यहां पे भी बीजेपी के जो अमित शाह है, अमित शाह जी ने, उन्होंने बोला है कि जिसने भी गोली चलाई है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और वो छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं ना, पुलिस वहां पे कुछ नहीं कर रही है, वो गोली चला रहा है। ये पर्सनल मेरा है क्योंकि मैंने सोचा कि आपको बता दो, आप देखिएगा भैया, बड़ी दिक्कत है, हिंसा से बचना है हमको, ठीक है ना। तो ये अभी फिलहाल प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है वो हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स करती हैं, उनके बयान आते हैं, वो इंटरव्यू देती हैं, ठीक है। और
इसी के लिए यूपीए पे भी आरोप लगते रहते हैं कि कांग्रेस ने जानबूझ के प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फंसाया और पॉलिटिक्स के लिए फंसाया और उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। ठीक है, ये तो दोस्तों सच है, टॉर्चर तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बहुत ज्यादा किया गया है। ठीक है, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। आराम से संयम रखिएगा, कमेंट बॉक्स में खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।